अभी अभी एचआर बने हैं, नए नए एचआर हैं, या फिर पहले से भी बने हुए हैं, लेकिन ये जो इंटरव्यू लेने का काम है ये आज आ गया है हमारे कंधों पर। अब समझ नहीं आ रहा कैसे लें, कैसे कंडक्ट करते हैं इंटरव्यू, ये तो समझ आ गया क्योंकि ये आपने एक सेशन मेरा पहले देखा होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं। लेकिन किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें डाउट है, क्योंकि जब हम एक जॉब सीकर थे तो हमने कुछ प्रिपेरेशंस तो की थी, लेकिन अगर हम एक एचआर हैं, हम एक इंटरव्यूअर हैं, तो कुछ अलग से प्रिपेरेशंस तो बनती हैं। ऐसे क्वेश्चंस जानने जरूरी हैं कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं कैंडिडेट से, जॉब सीकर से, राइट? सो अगर ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, बिकॉज आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वॉचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। और आई होप सो आप पीछे के सारे सेशंस देख रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं तो प्लीज उन्हें जरूर देखें, बिकॉज एक एक सेशन इंपॉर्टेंट है। यस, आपको नहीं पता कि आपको इन सेशंस की कब जरूरत पड़ जाएगी, बिकॉज ये ट्राइड एंड टेस्टेड सेशंस हैं। ये वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके कमेंट्स से मुझे मिली हैं और कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस से मैंने ये सेशंस बनाए हैं। मतलब जो जो प्रॉब्लम्स डेली में आती रहती हैं उन सबको, टिप्स एंड ट्रिक्स को जोड़कर, और जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनसे ही ये सेशंस बने हैं। तो प्लीज सारे सेशन नियम से देखें, ऐसा नहीं है कि जब कभी एक टॉपिक मिला तो वो सेशन देखा और सारे भूल गए। ओके, सो चलिए चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए। लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस आप तक आते रहेंगे। और आप ऐसे ही सेशंस रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, धीरे धीरे मैं सारी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ, ये सारे ही सेशन किसी ना किसी ने रिक्वेस्ट करे हैं, राइट? सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, और मैं बताऊंगी तीन टाइप के क्वेश्चन और उसमें कुछ टाइप भी आपको बता दूंगी कि किस टाइप के होते हैं। ओके, सो चलिए सबसे पहले तीन कैटेगरी हमारे पास है, तो सबसे पहले कैटेगरी आ गई बेसिक क्वेश्चन। नाउ बेसिक क्वेश्चन क्या है, जो कि हम रिपीटेडली सुनते हैं, जो कि एक इनिशियल लेवल के क्वेश्चंस है। अगर आपको किसी भी कैंडिडेट के बारे में जानना है तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब उसके प्रोफाइल के बारे में जानना। सेकेंड हो सकता है अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फिर थर्ड हो सकता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। फिर फोर्थ हो सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट अ कंपनी, इससे पता चल जाएगा कि कंपनी के बारे में कितनी रिसर्च करके आया है कैंडिडेट। और भी आप पूछ सकते हैं व्हाई शुड वी हायर यू, आपको भाई क्यों हायर करें। ये पांच क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, बार बार फ्लोट होते हैं, आपने भी देखे होंगे, मैंने इस पे सेशंस बनाए हुए हैं। इनके आंसर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेशन बना हुआ है इंटरव्यू क्वेश्चंस के नाम से, वहां से आप ये सारे सेशंस देख सकते हैं कि इनके आंसर्स भी क्या होंगे। ओके, और अगर आप एक जॉब सीकर हैं, आप एक कैंडिडेट हैं, तब तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ही इनके आंसर्स देखना। तो ये हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए और आपको इंटरव्यू लेना है आज, तो कैंडिडेट के बारे में बेसिक सी चीजें जानने के लिए आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारे बिहेवियरल क्वेश्चंस की। नाउ बिहेवियरल क्वेश्चंस क्या है और किस टाइप के प्रोफाइल्स में पूछे जाते हैं। बिहेवियरल क्या मतलब है इसका, बिहेवियर से रिलेटेड। अब बिहेवियर से रिलेटेड कहाँ पे जरूरत होंगे क्वेश्चंस, कहाँ पे हमें जानने की जरूरत है कैंडिडेट को बिहेवियर से रिलेटेड, जहां पे भी कस्टमर इन्वॉल्व्ड है। एक ऑफिस असिस्टेंट है, आप उसको काम दे देंगे, वो अपना काम करता रहेगा, उसे ज्यादा डील नहीं करना लोगों से। मतलब वो अपना सिस्टम पे काम कर रहा है, वो ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग और जो भी उसे नोटिंग्स करने को कहा है वो काम कर रहा है। उसका ज्यादा इंटरेक्शन पीपल से नहीं है, बाहर के कस्टमर से नहीं है, बाहर के क्लाइंट से नहीं है। लेकिन एक कस्टमर केयर का प्रोफाइल, एक इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूटिव, एक रिसेप्शनिस्ट, एक मार्केटिंग का प्रोफाइल, इनके लिए क्या चीजें जरूरत है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का प्रोफाइल, इनके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इनके लिए इनका बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे, उन्हें कैसे हैंडल करेंगे अपने बिहेवियर से, राइट? इस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए भी हैं पीछे, होप सो आपने वो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जरूर देख ली। इस पर मैंने कुछ सेशंस भी बनाए हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस पे, और भी सेशंस आते रहेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कुछ 2-3 टाइप्स के क्वेश्चंस के, ये वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट इज हाउ डू यू अडैप्ट टू चेंजेस, हाउ डू यू हैंडल चेंजेस। कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे। नाउ चेंज होना ये सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितनी स्किल्स हैं,
चेंज होने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, राइट? कोई भी चीज हो रही है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, तो वो एक्सेप्टेंस बिहेवियर से आती है। या फिर आप पूछ सकते हैं हाउ डू यू हैंडल अ चैलेंज, कोई चैलेंज करा आपको किसी ने तो आप कैसे हैंडल करेंगे? आप कस्टमर केयर के प्रोफाइल में सामने से क्लाइंट कुछ आपको चैलेंजिंग वे में बोल रहा है, आप प्रोवोक्ड हो गए, नहीं, राइट? कैसे हैंडल करेंगे वो उस क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करेगा कि वो कैंडिडेट जो जॉब सीकर है, जो हमारे पास इंटरव्यू आया है, वो बिहेवियर वाइज कैसा है। ऐसे ही एक क्वेश्चन हो सकता है, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड टू बी फ्लेक्सिबल, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ा, ऐसा कोई टाइम बताइए, ओके? ऐसे ही एक क्वेश्चन हो सकता है, डिस्क्राइब अ गोल यू फेल टू अचीव एंड हाउ यू हैंडल द सिचुएशन, राइट? सो आपने कैसे उसे अपने बिहेवियर से हैंडल करा? आप फेल हो गए, आप डीमोरलाइज हो गए, वहीं पे रोने लगे या वहीं पे चिल्लाने लगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, ओके? सो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं बेस्ड ऑन प्रोफाइल। इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि प्रोफाइल बेस्ड पूछें, राइट? अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप उससे ऐसे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि कस्टमर केयर इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछें जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, मींस जनरलाइज ऐसे क्वेश्चंस पूछें रादर देन हम उससे बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछें, ओके? उसके बाद नेक्स्ट आएगा थर्ड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी कुड बी सिचुएशनल क्वेश्चंस। नाउ सिचुएशनल क्वेश्चंस क्या होते हैं? आपको एक सिचुएशन दी गई, ऐसा होता तो कैसा करते, ऐसा होता तो कैसा करते, राइट? नाउ सिचुएशनल क्वेश्चंस पॉपुलर है मैनेजरियल रोल्स के लिए, यस। जो मैनेजरियल रोल्स हैं उनके पास अक्सर ऐसी डिसीजन मेकिंग की सिचुएशंस आएंगी जहां बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है काम करना, ओके? सो यहां एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैड टू वर्क क्लोजली विद अ टीम मेंबर और क्लोजली विद एन एम्प्लॉय और क्लोजली विद अ वर्कर यू डोंट लाइक और यू डोंट वॉन्ट टू वर्क विद, हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन, राइट? इस तरीके से एक क्वेश्चन हो सकता है आपका। नेक्स्ट हो सकता है, डिस्क्राइब अ टाइम यू हैड टू मेक अ गुड इम्प्रेशन ऑन क्लाइंट या कस्टमर। नाउ अब आप कहेंगे ये तो कस्टमर केयर का क्वेश्चन हो गया, ये वहां पूछा जा सकता है, लेकिन ये है सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। मतलब ये आपके पास एक सिचुएशन आई कि आज मुझे इम्प्रेशन अच्छा क्रिएट करना है, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ थिंग्स। ये खाली ऐसे नहीं कर सकते आप क्रिएट इम्प्रेशन क्लाइंट पे, कस्टमर पे। आजकल इतनी सारी कंपनीज हैं, सेम प्रोडक्ट सब जगह अवेलेबल है, लेकिन आप किस डिफरेंस से क्या चीजें यूज करके कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ये है कुछ एग्जांपल्स। इसके अलावा भी आप क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, इनके आंसर्स देखना चाहते हैं कि आप कैसे हैंडल करेंगे, इनके आंसर्स क्या होना चाहिए, तो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इनके आंसर्स भी बता दूंगी, ओके? आई होप सो ये हेल्पफुल होगा, हेल्पफुल है तो मुझे जरूर बताएं, मेरी तरफ से डन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।